अच्छा माता यहीं पे विराजमान होंगी है ना, इतना दूर चलने के बाद आपको ये देखने को मिलता है। तो अच्छा इस पंडाल का मतलब डायरेक्टर यही हुआ है? हाँ, क्या नाम हुआ सर आपका? विशाल डीजे। अच्छा, और इसके बारे में जरा बताए ना कि बाबू थोड़ा सा तो, यहाँ पे जो है ये क्या है मतलब? ये बाण गंगा है। बाण गंगा है, और ऊपर का जो साइड रहेगा शेर का मुंह रहेगा। अच्छा, ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा आज पूरा तरह से, यहाँ भी कंप्लीट हो जाएगा ये वर्क है ना। पहले जो लग रहा था जैसे सचमुच का गुफा में हम लोग घूम रहे हैं, रियल में ऐसा ही लग ही रहा है। देखने देख लो, लग ही नहीं रहा है। आप देख रहे होंगे झाड़ी वाड़ी सारा चीज एकदम बना दिया गया है, अभी तो लग भी रहा है कि एकदम सेम है जैसे लग रहा है देखने में। कहीं कहीं से आप देख रहे होंगे गुफा पुराना था तो इस टाइप का झाड़ी भी रहता है, तो थोड़ा सा देखने में एकदम लग रहा है बना दिया गया है। जेंट्स लोग आएंगे उनके लिए क्या व्यवस्था है? जैसे कुछ सुरक्षा का पूरा व्यवस्था है, गार्ड वगैरह रहेगा? यह हमारा 30 से 35 बाउंसर रहेंगे जी, जो लेडीज और जेंट्स दोनों रहेंगे, प्लस हमारा 60-70 मेंबर रहेंगे सुरक्षा के। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। और मैं अभी गया में मौजूद हूँ, गया के टिकारी रोड में, जहाँ हाथे गोदाम करके एक जगह है। यहाँ एक बहुत ही भव्य गुफा बनाया जा रहा है दशहरा के मौके पे, और इतना ज़्यादा ज़बरदस्त बनाया जा रहा है भाई कि आप देखोगे तो कहोगे कि हूबहू वैष्णो देवी के मतलब धाम का दर्शन कर लिया। तो वीडियो बने रहे, मैं गुफा के जस्ट अंदर जा रहा हूँ और आपको व्यू दिखाने वाला हूँ। इसे बनाने में क्या खर्च आई है सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो बने रहे, काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो बने वाला है। जो महिलाएं एवं बच्चे या बुजुर्ग हैं जो रात को भीड़ में नहीं आ सकते हैं वो दिन में भी आ सकते हैं, 24 आवर दर्शन में। एसी का जो बात हो रहा था वो फुल्ली एसी रहेगा? फुल्ली एसी रहेगा, फुल्ली एसी रहेगा, ये 24 आवर चालू रहेगा फुल्ली एसी। तो जो भी यहाँ का सेवा है ना, सभी भक्तजन एवं श्रद्धालुओं के लिए वो 24 आवर चालू रहेगा। हम मैंने तो ये सोचा ना कि माता रानी के दरबार में हमारे राज्य या हमारे देश में 80% के मीडियम वर्ग के लोग हैं जो माता रानी के दरबार में नहीं जा सकते हैं, 20% लोग ऐसे पैसे वाले जिनके पास टाइम नहीं है उनके दरबार में जाने के लिए। तो माता रानी ने हमें इस कार्य के लिए माध्यम चुना है, हमें सपना दिया है कि मेरा दरबार वहां लगा जाए। हूबहू बिल्कुल बना दिया एकदम हूबहू। अभी आप जब माता रानी ने विराजमान नहीं किए हैं, अभी भी आप इस पंडाल में एंट्री करेंगे तो माता रानी का पूरा स्वरूप आ चुका है। जिस समय वो विराजमान करेंगे माता रानी, आप खुद महसूस कर सकते हैं कि क्या भक्त जनों जो भी कष्ट दुख हो सभी हार लेंगे। ये 11 रुपया जो है ना सहयोग राशि जी, कुछ ज्यादा पैसा नहीं भैया। हाँ, तो समझिए कि माता रानी के दरबार में हम एक चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। और सभी श्रद्धालुओं से मैं ये भी सूचित करना चाहता हूँ कि इस पंडाल में खैनी बीड़ी सिगरेट जलनशील एवं नशीला कोई भी पदार्थ का एंट्री नहीं है। जो भी श्रद्धालु आएंगे सारे मेटल डिटेक्टर से चेक होकर ही। मैं गुफा का जस्ट अंदर हूँ और यहाँ का व्यू मैं देखने में बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। अंदर का जो मेरा एक्सपीरियंस है एकदम सेम आप कह सकते हैं
माँ वैष्णो देवी का गुफा जो कटरा में है सेम टू सेम हूबहू उतार दिया गया है। तो मैं एक बार कारीगर जो यहाँ काम कर रहे हैं, जो यहाँ के कारीगर हैं, उनको भी एक बार दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इस टाइप का एकदम हूबहू वो भी बना दिए हैं। और जो यहाँ के कार्यकर्ता लोग हैं लगभग 40 से 50 लाख रुपये यहाँ खर्च है इसे बनाने में। भाई साहब यहाँ इतना जबरदस्त भूखा गुफा बनाया हुआ है भाई, देख रहे हो मेरा जबरदस्त लग रहा है देखने में। और फुल्ली एसी रहेगा यहाँ, तो जो भी लोग इस बार घूमने के लिए यहाँ आ रहे हैं फुल्ली एसी रहेगा, पूरा तरह से तैयारी हो रही है। बंगाल के लोग यहाँ आके काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी जबरदस्त रहेगा। महाप्रसाद रखा गया है, 51 रुपया का महाप्रसाद में थैले में पैक नारियल चुनरी एवं कटरा से जो हम प्रसाद मंगाए वो प्रसाद रहेगा। और खासकर महिलाओं के लिए उसमें सिंगार सामग्री का सारा आइटम डाला हुआ है। मैं गुफा के जस्ट अंदर हूँ और यहाँ का व्यू देखने में बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। अंदर का जो मेरा एक्सपीरियंस है एकदम सेम आप कह सकते हैं माँ वैष्णो देवी का गुफा जो कटरा में है सेम टू सेम हूबहू उतार दिया गया है। तो मैं एक बार कारीगर जो यहाँ काम कर रहे हैं, जो यहाँ के कारीगर हैं, उनको भी एक बार दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इस टाइप का एकदम हूबहू वो भी बना दिए हैं। और जो यहाँ के कार्यकर्ता लोग हैं लगभग 40 से 50 लाख रुपये यहाँ खर्च है इसे बनाने में। आप देख रहे होंगे झाड़ी वाड़ी सारा चीज एकदम बना दिया गया है, अभी तो लग ही रहा है कि एकदम सेम है जैसे लग रहा है देखने में। कहीं कहीं से आप देख रहे होंगे गुफा पुराना था तो इस टाइप का झाड़ी भी रहता है, तो थोड़ा सा देखने में एकदम लग रहा है हूबहू बना दिया गया है। भाई जब यहाँ बन के पूरा तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ये 14 तारीख तक यहाँ पूरा तरह से कंप्लीट हो जाना है, उसके बाद का जो यहाँ का व्यू रहेगा यार एकदम जबरदस्त रहेगा भाई, क्योंकि अभी लगभग 90% रेडी हो गया है, 10% जो वर्क बाकी है वो भी हो ही रहा है। तो अभी भाई साहब ने बताया कि 14 तारीख को यहाँ चालू हो जाए, 14 तारीख तक यहाँ वर्क चल। अच्छा इस पंडाल का मतलब डायरेक्टर यही हुआ है? क्या नाम हुआ सर आपका? अच्छा, इसके बारे में जरा बताए ना कि बाबू थोड़ा सा हो जाता यहाँ पे जो है ये क्या है मतलब? ये बाणगंगा है। बाणगंगा है और ऊपर का जो साइड रहेगा इसमें शेर का मुंह रहेगा। अच्छा ये दोनों का कंप्लीट हो जाएगा आज पूरा तरह से, यहाँ भी कंप्लीट हो जाएगा ये वर्क है ना। पहले जो भी सरदवाल जाएंगे पहले राम जी बाबू हाथ ये पैर धो के जाना होगा। हाँ पैर धो के जाना होगा।
चलिए आप लोग। तो मैं आ गया हूँ गुफा के बाहर और आप देख रहे होंगे गुफा तो ये रहा, गुफा के मैं बाहर आ गया हूँ। अंदर का जो नज़ारा है भाई एकदम दिल को छू लेने वाला तस्वीर है, तो बिल्कुल आके दर्शन कीजिए। बहुत ही भव्य गुफा का निर्माण किया गया है दशहरा के मौके पे। यहाँ पे कुछ होने वाला है, इधर से निकलने वाला है ना, ये मंदिर है यहाँ से ना, और इसी के ऊपर हम लोग क्या देख लो डिस्टेंस।